पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए धरने पर बैठने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार बार बार बंगाल को अनदेखा कर रहा है, ऐसे में वे इसके विरोध में धरना करने जा रही है। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में अंबेडकर प्रतिमा के सामने 2 दिवसीय धरना पर बैठेगी। आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने बयान तक दिया है, जब वे 3 दिवसीय उड़ीसा के दौरे के लिए निकली है, वे उड़ीसा जाकर पुरी के मंदिर में पूजा अर्चना करेगी और साथ में वहां के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेगी। बताया जा रहा है कि सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उनके राज्य को पैसा नहीं दिया जा रहा है। उनके अनुसार सरकार के पास 100 दिनों के रोजगार के पैसों के साथ कई और योजनाएं के पैसे भी बाकी हैं। ऐसे में उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने इन पैसों का भुगतान नहीं किया है और वह राज्य को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसे केंद्र से कुछ भी नहीं मिला है, इसने हमें हमारा बकाया पैसा नहीं दिया है, इस साल के केंद्र बजट में भी हमारे राज्य के लिए कुछ नहीं था। मामले में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इसलिए मैं मुख्यमंत्री के रूप में बंगाल के प्रति केंद्र के भेदभाव के विरोध में 29 मार्च से कोलकाता में डॉक्टर डी आर अम्बेडकर की प्रतिमा के नीचे धरना प्रदर्शन करूंगी और इसे 30 मार्च की शाम तक जारी रखूंगी।